वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अताबुखारी यूट्यूब चैनल क़ुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिला में आज हम सूरह अन्निसा की आयत नंबर नाइनटीन की एक्सपोजिशन करेंगे इस आयत के अंदर मर्दों को औरतों से मुतक कवानीन बताए जा रहे हैं कि इनका औरतों के साथ किस तरह से मामला होना चाहिए इनसे किसी तरह का कोई जुल्म सरज़द नहीं होना चाहिए तो शुरू करते हैं अल्फाज हैं या न आमनु वो लोगो जो ईमान लाए हो ला या लकुम तुम्हारे लिए हलाल नहीं है लॉफुल नहीं है जायज़ नहीं है क्या तारिसा कर करहन कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ वारिस बन जाओ से मुराद है मालिक बन जाओ शहर बन जाओ ज़बरदस्ती करके औरतों के ऊपर कहता है ये तुम्हारे लिए लॉफुल नहीं है हलाल नहीं है यानी लॉफुल नहीं है अगर ऐसा करोगे अगर कुरान की हकूमत हो किसी रियासत में हो तो इसके ऊपर तुम्हें सजा मिलेगी ये ऐसा जुर्म नहीं है कि इस तुमसे इग्नोर कर दिया जाए तुम्हें छोड़ दिया जाए तो कहता है यह लॉफुल नहीं है यह अनलॉफुल है इसके ऊपर सजा है और आगे वलाता वुलूहुन्ना और ना तुम उन बीवियों को रोको अगर वो तुम्हारे निकाह में ना रहना चाहें तो उनको सिर्फ इसलिए ना रोको यहां पर यह चीज कही जा रही है अगर वो तुम्हारी निकाह में ना रहना चाहे तो उनको सिर्फ इसलिए ना रोको आगे उसकी वजह बता रहा है कहता है कि लिताज हबू बिबाजी मा आतई तुम्हुन्ना ताकि तुम कुछ माल वापस ले लो जो तुमने उन बीवियों को दिया था तो इस इरादे के साथ उनको ज़बरदस्ती अपने पास रोक कर ना रखो उनको जाने दो जहाँ उन्होंने जाना है अगर वो नहीं तुम्हारे निकाह में रहना चाहती कहीं और शादी करना चाहती है, तो उनको फिर रोको नहीं इस नीयत से कि जो तुमने उनको दिया है तुम उनसे वापस लो जब तक वो तुम्हें वापस ना दें तुम उनको रोक कर रखो तो कहता है ये ठीक नहीं है ये भी अनलाफ़ुल है और आगे कह रहा है कि अला यातीना बिफाइश मुबैना तिन मगर यह कि वो बीवियां किसी वाज बेह का इरतकाब करें तो इसका क्या मतलब हुआ कि नहीं रोक सकते तुम लेकिन एक सूरत में तुम रोक सकते हो कि अगर कोई ऐसी सूरत हो कि वो बीविया को वाज बेहयाई का अरतक करें तो उस वजह से तुम उनको रोक सकते हो उस वजह से नहीं कि तुमने उनसे को माल लेना है तो जब तक वो तुम्हें ना देने तुम उनको रोक के रखो मतलब क्या हुआ तो फिर अदालत तुम्हारे दिए हुए माल में से तुम्हें कुछ दिला सकती है यानी अगर वो किसी आ, किसी फाहिश यानी किसी फाशी का या बेहयाई का इरतक करें और फिर ठीक है तुम उनको रोक सकते हो तो इस सूरत में क्या होगा अदालत तुम्हारे दिए हुए माल में से तुम्हें कुछ दिला सकती है अब यह कानूनी चीज होगी ये चीज हो पॉइंट क्लियर हो गया अब हम आगे चलते हैं कहता है कि वाशरू हन्ना बिलमारूफ और तुम उन बीवियों के साथ दस्तूर के मुताबिक हुसन सलूक से जिंदगी बसर करो ठीक है बीवियों के ऊपर भी आगे जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं वो भी फिर अपने खामन का अपने घर का ख्याल रखें अपने घर को घर समझें अपने खामन को खामन समझें अपने खामन के वालदेन को एक इज़्ज़त और एहतराम दें तो ये सारी ये सारी चीज़ें कंडीशनल हैं तो अगर वो घर को घर ही ना समझे और वो उसको खान की माल को फजूल खर्ची में उड़ा दे उसकी किसी कंफर्ट का ख्याल ही ना रखे खामन जितना कुछ कमा के लाए सब कुछ वो उड़ा दे तो फिर नहीं कहता है कि तुम उन बीवियों के साथ दस्तूर के मुताबिक हुसन सलूक से ज़िंदगी बसर करो तो वो तो उसी सूरत में हो सकती है ना कि ताल्लुक़ तो म्यूचुअल है दोनों तरफ़ से है ना अगर ये सिर्फ मर्द की तरफ से औरत कोई केयर नहीं कर रही तो फिर ये चीज़ें चल नहीं सकती इसलिए मैंने कहा है कि ये दो तरफा चीज़ है तो दोनों तरफ से ये चीज़ होनी चाहिए औरत को भी ख्याल रखना चाहिए और फिर मर्द को भी रखना चाहिए इसके बाद कह रहे हैं फ इन करह तुम्ह फिर अगर तुम उन बीवियों की किसी बात को नापसंद करो तो सिर्फ इतनी सी नापसंदीदगी की वजह से उनसे ताल्लुक़ तोड़ने पर तैयार ना हो जाओ यानी अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ है जो नापसंद हो यहाँ पर ये चीज़ है कराहत है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत हों जो जिससे काम चल सकता है घरेलू लाइफ चल सकती है बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू ना हो तो फिर ये है कि थोड़ी सी ये जो नापसंदीदगी है उसकी वजह से ताल्लुक़ तोड़ने पर तैयार ना हो जाओ तो इसको आगे बढ़ाते हुए इसकी वजाहत में कहता है कहता है कि फ़ासा अन तक रहो शई अन तो मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बज़ाहिर नापसंद करो वो जो छोटी मोटी जो नापसंदीदा चीज़ है उसको तुम नापसंद करो वगैरह जला ही खैरन कसीरन और अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर कसीद रखी हो तो इसलिए अगर उनसे कोई छोटी मोटी थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ें हों जो नागवार हों एक आधी चीज़ को नागवार हो तो उससे इग्नोर करो लेकिन अगर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो फिर घरेलू ज़िंदगी इकट्ठे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ये चीज़ जो है ये जो ज़ाबते हैं शौहर और बीवी के दरमियान जो अल्लाह ने दिए हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों को समझने के लिए हैं खामन को भी और बीवी को भी हस्बेंड और वाइफ दोनों दोनों एक दूसरे के हकूक व फ़राइज का ख्याल रखेंगे अगर उनमें से कोई एक भी नहीं रख रहा तो फिर ये सिलसिला जो है आगे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो कुरान करीम का असूल सुफ़क हो इसकी रूह से आप ख़ुद भी सोचा करें समझा करें गौर फिक्र किया करें शुक्रिया